ক্লিক করুন অ্যাপের বেল আইকনে আর সাবস্ক্রাইব করুন এবিপি আনন্দ। সব সময় থাকুন খবরে। লাদাখ নিয়ে রাজনৈতিক তর্জা অব্যাহত। চীনা সেনা ভারতীয় ভূখণ্ডে অনুপ্রবেশ না করলে 20 জন ভারতীয় জওয়ানের মৃত্যু হলো কি করে? ফের মোদী সরকারকে প্রশ্ন কংগ্রেসের। কটাক্ষের সুরেই কংগ্রেসকে জবাব দিয়েছে বিজেপি। চীনা আগ্রাসনের জেরে উত্তপ্ত লাদাখ, আর তা নিয়ে তর্জায় উত্তপ্ত দেশের রাজনীতি। গালওয়ান উপত্যকায় চীনা আগ্রাসন নিয়ে শুক্রবার ফের একবার মোদী সরকারের দিকে প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছে কংগ্রেস। প্রধানমন্ত্রী কহতে হ্যাঁ कि हमारी सीमा में कोई घुसपैठ नहीं हुई, पर दूसरी ओर रक्षा मंत्री तथा विदेश मंत्रालय बड़ी संख्या में चीनी सैनिकों की मौजूदगी एवं अनेकों बार चीनी घुसपैठ की चर्चा करते हैं। अगर चीन ने लद्दाख में हमारी सरजमी पर कब्जा नहीं किया जैसा प्रधानमंत्री कहते हैं तो फिर हमारे 20 सैनिकों की शहादत क्यों और कैसे हुई? কিছুদিন আগে লাদাখ ইস্যুতে সর্বদল বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী দাবি করেছিলেন চীনা সেনা ভারতের 1 ইঞ্চি জমিও দখল করেনি। ভারত নে কবি কিসি বাহরি দবাব কো স্বীকার নাহি কিয়া হ্যায়। রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা কে লিয়ে জো ভি জরুরি কার্য হ্যায়, জো ভি জরুরি ইনফ্রাস্ট্রাকচার কা নির্মাণ হ্যায়, सभी राजनीतिक दलों को फिर से आश्वस्त करता हूं कि हमारी सेनाएं सीमाओं की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है। कांग्रेस से पलटा प्रश्न, चीना सेना भारतीय भूखंडे अनुप्रवेश ना कर ले 20 जन भारतीय जवान ने मृत्यु हो की करे। कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हिंदुस्तान की 1 इंच जमीन किसी ने नहीं ली, कोई हिंदुस्तान के अंदर नहीं आया। सैटेलाइट फोटोग्राफ्स में दिखाई दे रहा है, लद्दाख की जनता कह रही है, आर्मी के रिटायर्ड जनरल्स कह रहे हैं कि चाइना ने हमारी जमीन छीनी है। एक जगह नहीं बल्कि 3 जगह चाइना ने हमारी जमीन छीनी है। प्रधानमंत्री जी, आपको सच बोलना ही पड़ेगा। हमारे जो वीर शहीद हैं उनको बिना हथियार किसने भेजा और क्यों भेजा? पलटा आक्रमण के पथ हिटे बीजेपी। कांग्रेस पार्टी उन सवालों का जवाब नहीं दे रही जो सवाल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने उठाया है। क्या आखिर बताइए, राजीव गांधी फाउंडेशन को 90 लाख क्यों मिले, किस काम के लिए मिले, किस लॉबिंग के लिए मिले, ये जवाब देना होगा। उसकी जगह कांग्रेस पार्टी दुष्प्रचार में अभी भी लगी है कि चाइना अंदर घुस आया है, जबकि साफ तौर पे बताया गया है कि भारत की सेना सक्षम है। এদিনই চীনে নিযুক্ত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত বিক্রম মিশ্রি কড়া বার্তা দিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, গালওয়ান নিয়ে চীন যে দাবি করছে তা একেবারেই সমর্থনযোগ্য নয়। প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখায় সংঘাত মেটাতে চাইলে চীনকে যে কোনো রকম পরিকাঠামো নির্মাণ করা বন্ধ করতে হবে। চীন যদি সংঘাতের মনোভাব নিয়েই চলে তাহলে 2 দেশের সম্পর্কে প্রভাব পড়বে। এবিপি আনন্দ।